रोहित क्या देख रहा है? और क्या? रोहित So hi guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो guys अभी का सीन ये है कि अभी हमने पूजा कर ली है और क्योंकि अभी हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं तो अभी मैं जाके देखती हूँ कि मम्मी ने क्या बनाया है, क्योंकि यार हम सुबह जल्दी उठ गए थे और अभी इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना मुझे तो चलो अब देखते हैं क्या बनाए। तो गाइस अभी मम्मी यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हैं और ब्रेकफास्ट में आज क्या बन रहा है, गोभी आलू की पकौड़ी। तो गाइस मम्मी यहाँ पे गोभी आलू की पकौड़ी बना रही है और मम्मी ने मेरे से बोला है कि मैं चटनी पीस दूँ। तो गाइस अभी का सीन ये है कि मम्मी पकौड़ी बना रही है और मैं यहाँ पे चटनी पीस रही हूँ, क्योंकि अभी ना यहाँ पे 2 टमाटर भी और मेरे पास धनिया भी है तो मैं टमाटर और धनिया की मिक्स चटनी पीसने वाली हूँ। तो 2 टमाटर कहने जरूरी है, तो 2 टमाटर कहने जरूरी है। गाइस तो जब भी व्लॉग बनाती है मेरी मम्मी बीच में बोल के सारा व्लॉग खराब कर देती है। तो गाइस मैं इतने चटनी पीस रही हूँ, इतने यहाँ पे मम्मी ने पकौड़ी की तैयारी कर दी है और यहाँ पे मम्मी पकौड़ी सेक रही है। तो गाइस मैंने अभी चटनी पीस लिया और मम्मी की यहाँ पे पकौड़ी भी सिक चुकी हैं और अब फटाफट से हम इन्हें खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हम सुबह से उठे हुए हैं और कुछ नहीं खाया है अभी तक। तो गाइस अभी मेरी पकौड़ी सिक चुकी है और अभी मैं अपनी पकौड़ी खाने वाली हूँ। उसके बाद देखते हैं, फिर मुझे अपना काम भी करना था कॉलेज का, क्योंकि वैसे तो हमारी काफ़ी दिन से छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन पेपर भी आने वाला है तो हमें उसमें पढ़ाई करनी है। 5 पैटर्न दे देना है, इतना अचानक काम करना मुझे। तो गाइस अभी का सीन ये है, रोहित इतना गुस्सा क्यों कर रहा है क्योंकि अभी उसे बाहर से सामान लेने के लिए बोला था, लेकिन जब भी हम इसे बाहर से सामान लेने के लिए बोलते हैं ये जाता ही नहीं है और इसी वजह से इसे रोज़ डांट खानी पड़ती है। और मैं क्योंकि ब्लॉगिंग करती हूँ जैसा कि आप लोग देख सकते हो तो ये कैमरे में आते ही चुप हो जाता है, ये मेरा उल्टा सीधा ले लिया देख लो। तो गाइस अभी का सीन ये है कि मुझे कल कॉलेज जाना है, लेकिन मेरे बैग में ना मैंने कल देखा था तो इसमें चींटियां चल रही थी। वैसे तो मैंने धूप में रख दिया था लेकिन अभी मैं इसे ना धो के सुखा देती हूँ, कल तक सूख जाएगा और मुझे सुबह कॉलेज भी जाना है तो अभी मैं इसे बैग को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो गाइस वैसे ना अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ पे छत पे, लेकिन अभी मैं जल्दी से पहले इस बैग को धोती हूँ क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो गाइस अभी रोहित बाहर से सामान लेने जा रहा था और अभी मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी तो मैंने सोचा उससे ना अपने लिए कुल्फी भी मंगा लेती हूँ। रोहित कुल्फी भी ले आई हो। खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बाहर इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना बहुत ज़्यादा। गाइस गर्मी में ना अगर हम बाहर से आते हैं ना इतनी धूप में से और घर में फिर कुछ ठंडा ठंडा खाते हैं उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। और इस टाइम पे मुझे कुल्फी खाने में इतना अच्छा लग रहा है ना, बस अब मैं अपनी कुल्फी इंजॉय करती हूँ। क्या हुआ रोहित, क्या हुआ है? तो गाइस अभी रोहित को अपना काम करना है, मुझे भी करना था क्योंकि अभी अभी धूप में से आया है। कितना काम हो गया पेपर का? तो गाइस अभी का सीन ये है ना, अभी मैं दूसरे रूम में आ चुकी हूँ क्योंकि अभी देखो मुझे ना टाइम टेबल बनाना है। क्यों? क्योंकि देखो कल मैं कॉलेज जाने वाली हूँ और मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं और इस वजह से ना अभी बहुत सारा सिलेबस भी रह रहा है। वैसे मैं डेली तो नहीं जाती कॉलेज, बट एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे जाती हूँ क्योंकि पढ़ना तो देखो फिर भी खुद ही पड़ता है। तो अभी ना मैं एक बार सारा खुद से एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लेती हूँ ताकि मैं एग्जाम आने तक सारा सिलेबस अच्छे से कवर कर पाऊँ। और आपने मेरी अभी वो ट्रॉफी तो देख ली थी जो अभी मैंने परसों वाले ब्लॉग में डाली थी, जो मुझे लास्ट ईयर आई गॉट 1st पोजीशन, सो वो मुझे मिली थी ट्रॉफी। सो इस साल की आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो अभी मैं अपना पूरा टाइम टेबल बना लेती हूँ फटाफट से क्योंकि हमारे में 7 सब्जेक्ट हैं और देखो जैसे 7 डेज होते हैं 7 सब्जेक्ट हैं। सो आई विल प्रेफर कि मैं हर एक डे एक सब्जेक्ट करूं क्योंकि यार कॉलेज में देखो स्कूल के पेपर में और कॉलेज के पेपर में बहुत डिफरेंस होता है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं अपना शेड्यूल करती हूँ पढ़ती हूँ। तो अभी मैं फटाफट से टाइम टेबल बना लेती हूँ उसके बाद। और हाँ जैसे मैंने सुबह बताया था कि आज राजमा चावल बने हैं जो कि मेरे बहुत फेवरेट है, फिर मैं वो खाऊंगी। वैसे अभी मुझे इतनी भूख लग नहीं रही है क्योंकि सुबह पकौड़ी बनी थी तो इस वजह से, लेकिन अभी मैं फटाफट से अपना टाइम टेबल बनाती हूँ। तो गाइस अभी मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया है और अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है और मम्मी अभी आवाज़ भी लगा रही है कि मैं खाना खा लूँ, क्योंकि अभी 3 बज चुके हैं तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, राजमा चावल। और अभी मैंने एक बार मैं आपको अपना टाइम टेबल दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से बनाया, देखो हमारे में ना 7 सब्जेक्ट होते हैं और 7 डेज होते हैं। सो आई विल प्रेफर कि मैं हर एक दिन एक सब्जेक्ट करूँ और लास्ट तक, मतलब नवंबर के लास्ट तक आते आते मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो अभी मैंने टाइम टेबल बना लिया है। तो मैंने अभी टाइम टेबल बना लिया है और आई नो आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है। और यार मुझे ना सेल्फ स्टडी ज़्यादा बेटर लगती है क्योंकि 11th 12th 10th मतलब मैंने सेल्फ स्टडी ही की है। ट्यूशन तो मैं मतलब बचपन में आई थिंक मैं लास्ट 4th क्लास तक ट्यूशन गई हूँ, 4th में गई हूँ, हाँ 4th तक गई हूँ। उसके बाद फिर मैंने खुद से ही पढ़ाई किया है। अगर इस खुद से ही पढ़ोगे ना, सेल्फ स्टडी करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है रादर देन ट्यूशन्स वगैरह से। बट हाँ, मैं एक दिन अपनी 10th 12th की जर्नी डेफिनेटली शेयर करूँगी। अगर आप बोलोगे तो कमेंट्स सेक्शन में बाद में मैं ज़रूर शेयर करूँगी मुझे 10th में कितने परसेंटेज आए, 12th में कितना है, कैसी पूरी जर्नी रही, तो मैं वन डे एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी सबके साथ। तो गाइज अभी मम्मी यहाँ पे पूरी सेक रही हैं और अभी मैं खाना खाती हूँ। पहले यहाँ पे पूरियाँ सेक रही हैं। तो गाइज मैं अपना खाना ना इसी रूम में ले आई थी क्योंकि इस रूम में मैं पढ़ रही थी तो मैं इसी रूम में ले आई थी। और अब मैं अपना फेवरेट राजमा चावल और पूरी खाने वाली हूँ। ऑनेस्टली गाइज मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है खाना, मतलब मेरी क्या यार सबकी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे छोले चावल पसंद थे और अब मुझे राजमा चावल पसंद है। मतलब मेरी चॉइसेस बदलती रहती है। आप लोगों के भी साथ ऐसा होता है क्या? लेकिन अब मुझे राजमा चावल बहुत ज़्यादा पसंद है तो अभी मैं अपने राजमा चावल इंजॉय करती हूँ। देखो गाइस अभी मैं राजमा चावल खा रही हूँ ना, सो आई नो आप में से बहुत लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा और आपका भी मन कर रहा होगा राजमा चावल खाने का। सो डोंट वरी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, मैं बस इतना ही दिखाऊंगी। तो अभी मैं अपना खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो हाय गाइस, तो गाइस अभी रात हो चुकी है और अभी रात के 7 बज रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मुझे कल सुबह कॉलेज जाना है और मैंने सुबह बैग भी धोया था तो अभी मेरा बैग सूख चुका है। तो अभी ना पहले मैं अपना कॉलेज की सारी बुक्स वगैरह लगा रही थी क्योंकि सुबह मुझे जाना है। तो अभी मेरी बुक्स यहीं पर रखी हुई है क्योंकि दोपहर में यहीं पर काम कर रही थी, अपना टाइम टेबल बना रही थी तो जब से यहीं पर है। तो पहले मैं अपनी यहाँ से सारी बुक्स उठाती हूँ और अपना बैग लगाती हूँ। चलो, तो ये रही मेरी सारी बुक्स यहीं पर रखी हैं। तो गाइस अभी मैंने अपना यहाँ पे बैग रख लिया है और मैंने अपनी सारी बुक्स निकाल ली है। अभी मैं अपना बैग पैक करती हूँ कॉलेज के लिए। वैसे सारी तो मुझे बुक्स ले जानी नहीं होती, कुछ ही मैं ले जाती हूँ वरना बैग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है क्योंकि वाटर बॉटल भी होती है, लंच भी होता है। तो अभी मैं पहले अपनी प्रैक्टिकल फाइल रख लेती हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल तो मतलब प्रैक्टिकल लैब तो रोज़ ही लगती है। ये कैप धूप से बचने के लिए क्योंकि गाइस रात के टाइम में बहुत ज़्यादा धूप होती है इसलिए। स्केल और सबसे इम्पोर्टेंट आई कार्ड, ये दोनों बुक्स। उसके बाद ये 2 नोटबुक, इसमें से कई से दोनों रफ नोटबुक नहीं है, इसमें से एक रफ नोटबुक है और एक मेरी स्क्रिप्ट की नोटबुक है। वैसे मैं कॉलेज में रख के ले जाती हूँ, अगर मुझे कभी जैसे पीरियड फ्री होता है या टाइम मिलता है तो मैं अपने कॉन्टेंट की स्क्रिप्ट लिख लेती हूँ नेक्स्ट की। और एक हैंकी तो मेरे बैग में हमेशा रहता है। तो अभी मैंने अपना बैग पैक कर लिया है। वैसे इतना हैवी नहीं है लेकिन स्कूल में तो बहुत ही ज़्यादा हैवी बैग होता था। तो गाइस अभी मैंने अपना बैग पैक कर लिया है और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, अभी मैं पानी पी के आती हूँ। तो गाइस अभी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर आ रहे थे तो पापा ने लाइट बंद कर दिया। और जैसे कि आपको बताया कि अभी बिग बॉस का आज फर्स्ट डे है तो यहाँ पे रोहित बिग बॉस का फर्स्ट एपिसोड देख रहा है। रोहित क्या देख रहा है? और क्या रोहित, और क्या गाइस देखो जैसे ही मैंने ब्लॉग चालू किया तो इसने हटा लिया और खुद अकेले देख रहा है और मैंने इससे बोला है कि मुझे भी देखना है। रोहित दिखाइए मुझे भी। ये ना डांस चल रहा है, डांस ही दिखा दे, ये डांस है, ठीक से दिखा दे, दिखाइए रोहित। और क्या तो गाइस मैं अभी अपना यहाँ पे व्लॉग एडिट करती हूँ और अभी थोड़ी देर में लाइट चालू हो जाएगी तो तब मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी। तो गाइस अभी रात की 10 बज चुके हैं तो अभी मैं फाइनली इस व्लॉग को एंड करती हूँ। मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया है, ये रहा। तो बस अभी हम दूध पियेंगे और सो जाएंगे क्योंकि सुबह जल्दी भी उठना है और कॉलेज भी जाना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरा व्लॉग एंजॉय करो। गाइस ये आवाज़ मेरी मम्मी की है क्योंकि वो फ़ोन पे बात कर रही है ना अभी। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप मेरा व्लॉग एंजॉय करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।